reports are still coming in from police. Apparently, I'm being told it is a zombie attack. तैयार हो चुका है। अब बस रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। सारे डीएनए मैच हो गए हैं। मैं भी इन्फेक्ट हो चुका हूँ। अब पता नहीं मेरे पास कितना टाइम रह गया है और मेरे पास कुछ इंजेक्ट करने के लिए भी नहीं है। मुझे माफ कर देना प्रिया। इस फ्रीक्वेंसी को ट्राई करके देखता हूँ। कम ऑन। यस, मिल गया।
अब यही एंटीडोट पूरी ह्यूमैनिटी को बचाएगा। हेलो, माय नेम इज जय मित्तल एंड आई एम द हेड ऑफ बायोकेमिकल कंपनी, सॉरी आई हैव बॉस, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन आई एम डेड। ये सब शुरू हुआ 2 महीने पहले, जब हमारी सरकार ने न्यूक्लियर रिएक्टर की डील करी थी और दूसरे कंट्रीज के साथ सब कुछ सही जा रहा था। न्यूक्लियर रिएक्टर के इवेंट वाले दिन कुछ ब्लास्ट हुआ जिससे ना पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो गई और पूरी दुनिया डिस्ट्रक्शन के मोड पर आ गई, और वही हुआ। हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी इज डेड नाउ। और जब ये इंसिडेंट हुआ उस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ उस इवेंट के आसपास था। मैं अपनी वाइफ और अपने 1 साल के बेटे के साथ कार में था, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ और कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरी कार के एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि हर जगह आग लगी हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को खा रहे थे, और मेरी बीवी मर चुकी थी, पर मेरा बेटा जिंदा था। अब मैंने अपने बेटे को हिम्मत करके उठाया और रास्ते में आगे बढ़ने लग गया। जब लोग एक दूसरे को खा रहे थे तब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कुछ लोग मेरी बीवी को भी खा रहे थे। अब उसी वक्त कुछ लोगों ने मुझ पे अटैक किया। मैं तो वहां से भाग गया पर मेरा बेटा इन्फेक्टेड हो गया, और जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। मैं काफी दिनों तक कोशिश करता रहा खुद को मारने की, पर नहीं मार पाया। मैं हिम्मत नहीं आई मेरे में खुद को मारने की, और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, इस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढा, अपने बेटे के बॉडी सेल्स और टिश्यूज के सैंपल लेके इस इन्फेक्शन का एंटीडोट बनाया। और अगर किसी को भी इस सिग्नल से ये वीडियो मिलती है तो प्लीज इस एड्रेस से ये एंटीडोट ले जाइए। और अगर कहीं भी आर्मी जिंदा है तो प्लीज उनसे भी कांटेक्ट कीजिए। यू आर द लास्ट होप फॉर ह्यूमैनिटी एंड यू हैव टू सेव दिस वर्ल्ड।